नमस्कार, लेटेस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। बांसवाड़ा से खबर आ रही है, मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बाद शनिवार को जिले में हालत हकीकत में भयावह हो गई। पल पल सांसें अटकी, मौत का साया मंडराया और कई परिवारों में तबाही मच गई। शुक्रवार मध्य रात्रि 12:30 बजे बांसवाड़ा में मानो बारिश का घर बनकर बरसी। जिला मुख्यालय पर हालात सामान्य रहे, लेकिन गांव में स्थिति अब बिगड़ गई। जिले के कई गांवों में पानी आवासीय बस्तियों में जा घुसा और नजारा दरिया जैसा हो गया। दानपुर में आधा दर्जन से ज्यादा बस्तियां जलमग्न हो गई और 5 दर्जन से ज्यादा घरों में पानी ने नुकसान पहुंचाया। बैंसाओं में 1 बस्ती को खाली करना पड़ा। बुगड़ा की 2 बस्तियां पानी से गिर गई। जिले में बड़ी संख्या में कच्चे मकान ढह गए। नदी नालों पर उफान से कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया। बांसवाड़ा से डूंगरपुर व उदयपुर मार्ग 2 दिन भी बंद रहे। जयपुर मार्ग भी पूर्वाह में एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया था। जिले में बाद में उसे शुरू किया गया। बांसवाड़ा से रतलाम मार्ग भी बंद है। माही बांध से भारी मात्रा में जलावक के बाद सुबह बांध के 16 गेट 14 गेट 9-9 मीटर तक खोलने पड़े। दोपहर 3 बजे बाद 14 गेट 6 मीटर खुले हुए थे। देखिए बारिश के बाद कहर बरपा रही बारिश का नजारा। इसकी काम है यार, चलो 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 उदयपुर पहुंचे पुलिस वाले मना कर रहा, फिर भी चला दे, तो जला दे, पार कर ली, पार कर ली, पार कर ली, पार कर ली। बैठ जाओ अपने वाली है और यहाँ पूरे इंतजाम कर रखे हैं सुरक्षा के। और माइक के थोड़ा गेट खोलते ही आसपास के सभी जनता में हर्ष की लहर और प्राकृतिक सौंदर्य उभर कर आता है। माही डैम माही में ऊपर एराम नदी और माही नदी या रतलाम की तरफ से काफ़ी पानी आने की वजह से थोड़ा डैम खोले हैं।